अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की लापरवाही देखने को मिल रही है। ग्रेटर हैदराबाद में कई ऐसे ज़मीनात को कब्जे किए जा रहे हैं जो वक्फ की ज़मीन है। जिस तरह से मीर आलम मंडी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, वक्फ बोर्ड की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। जब से तेलंगाना अलहदा बना है तब से औकाफ की जायदादों का कोई तहफ़ नहीं किया जा रहा है और कोई इसमें काम नहीं किया जा रहा है। पूरी तरह से वक्फ की जायदादों को कब्जे किए जा रहे हैं। एक ऐसे ही ग्रेटर हैदराबाद में भी लगातार औकाफ की जायदादों को कब्जा किया जा रहा है। मीर आलम ईदगाह, जो अतराफ पूरा तालाब और मीर आलम ईदगाह की तकरीबन ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। दूसरा उस्मान नगर बनाया जा रहा है, अगर बारिश होगी तो सारे के सारे मकाना डूब जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर वेंचर चल रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं और कोई देखने वाला नहीं। नीचे से लेके ऊपर तक सारे के सारे करप्ट हो चुके हैं और इस तरह से अवाम की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरा उमर कॉलोनी पहाड़ी शरीफ में, वहाँ पर भी इसी तरह की वक्फ की ज़मीन को कब्जे किए जा रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। और पान मंडी मंगलहाट गोशा महल में, यहाँ पर भी कब्रिस्तान को कब्जा किया गया है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई देखने वाला नहीं। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, ऐसे लोगों के कब्जे में जो ज़मीन है उसको रिलीज़ करें ताकि वो कब्रिस्तान आबाद हो सके। और जिस तरह से ज़मीनात है, वो जो औकाफ की ज़मीन है, वहाँ पर कुछ लोग अच्छा सा काम कर सके। लेकिन अफसोस, वक्फ बोर्ड तमाशा ही बन के बैठा है। हुकूमत की जानिब से भी कोई ख़ास कोशिश नहीं की जा रही है। मुस्लिम लीडर भी खामोश बैठे हुए हैं। ज़रूरी है कि ऐसे कब्जेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें ताकि आने वाले वक्त में यहाँ पर रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह से कब्रिस्तानें कब्जे हो रहे हैं और आने वाले वक्त में खबरें भी दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। इस तरह का माहौल अब बन रहा है। आने वाले 5-6 साल में और हालत बुरी हो सकती है। इसलिए जाजा औकाफ की ज़मीनें हैं और जाजा कब्रिस्तान ने कब्जे किए हैं, उसका तहफ़ करना आपकी हमारी जिम्मेदारी है। हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। ज़रूरी है कि हुकूमत और वक्फ बोर्ड होश में आए और फौरन इसका तहफ़ करें। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत, लैब और फार्मेसी के साथ। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इंतहाई तजुर्बेकार स्टाफ और बिल्कुल ही जदीद आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और ICU। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैनोकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक जैसे शोबाजात में इंतहाई काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं। अपॉइंटमेंट के लिए 9908035023 पर कॉल कीजिए। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 9900 A ब्लॉक, सेक्टर 1, अलकापुर टाउनशिप, पोपालगुड़ा, मणिकोंडा मेन रोड।